अस्सलाम दोस्तों, ऑटोकैड की नई वीडियो में खुशामदीद। आप देख रहे हैं सिविल टॉपिक्स। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है उसका नाम है लेयर्स। ये आपको होम में अगर 2014 ऑटोकैड यूज़ कर रहे हैं तो सामने लेयर्स ऑप्शंस बने हुए नज़र आ रहे हैं। लेयर्स क्या चीज़ होती हैं आए देखते हैं। प्रैक्टिकली करके दिखाने से आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगी। लेयर्स की शॉर्टकट की होती है LA। चले लेयर्स में हम इंटर होते हैं। LA लिख के इंटर किया, हम लेयर में इंटर हो गए। ये लेयर्स के लिए एक बॉक्स खुल गया, इसको कहते हैं लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर। पहली जो लेयर होती है वो ज़ीरो सेलेक्ट हुई है या बाय डिफ़ॉल्ट डेफ पॉइंट्स लेयर होती है। चले हम नई लेयर्स बना के देखते हैं। लेयर वन है, हम बना देते हैं कि इस लेयर में हम सिर्फ वॉल्स बनाएंगे। वॉल्स की आगे मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। ये वॉल लेयर में है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑन या ऑफ। इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑफ हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। आगे है फ्रीज, ये फ्रीज हो जाएगी, अनफ्रीज, फ्रीज, अनफ्रीज। उसके बाद है लॉक, ये लॉक हो गई है, अनलॉक। ये आपको बाद में बताया जाएगा क्या है, अभी सिर्फ देख लें। ये है कलर, ये वॉल्स वाली जो हमारी लेयर है उसका कलर क्या होना चाहिए। तो इसको क्लिक करके वॉल्स वाली जो हमारी लेयर है उसका कोई भी कलर चूज़ कर लेते हैं। हम ये वाला कलर चूज़ करते हैं, ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, अच्छा नज़र आएगा। उसके बाद लाइन टाइप, कौन सी टाइप होनी चाहिए लाइन की। ये कंटिन्यूस है तो ज़्यादातर यही होती है। उसके बाद है लाइन वेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट वेट है, बाय डिफ़ॉल्ट वेट होता है। इसके बाद ये देखें लाइन मुख्तलिफ किस्म की लाइन के वेट्स हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर लें तो बाय डिफ़ॉल्ट बेहतर रहता है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ से जितनी बढ़ा सकते हैं 90 तक। उसके बाद प्लॉट यानी प्रिंट, ये अभी देखें ये प्रिंटर ऑफ हुआ है, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये लेयर प्रिंट नहीं होगी। बेशक हमें नज़र आ रही है लेकिन प्रिंट नहीं होगी। इसको क्लिक किया, प्रिंट ऑन हो गया। उसके बाद न्यू वीपी फ्रीज, फ्रीज, अनफ्रीज। आगे इसके डिस्क्रिप्शन अगर कोई आप लिखना चाहें तो ये एक लेयर की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। मसलन वॉल्स की हमने ये सिर्फ कलर ही सेलेक्ट किया। नई लेयर बनाते हैं, हम कहते हैं कि इस लेयर में हम सिर्फ देखेंगे डायमेंशंस को, हम इस लेयर में सिर्फ डायमेंशंस को देखेंगे। तो इसका कलर भी मुख्तलिफ कर देते हैं, जो भी है कैंसिल, इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं, कंटिन्यूस, बाकी ठीक है। उसके बाद हम लेयर बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ, मैं कहता हूँ कि स्टेयर्स को देखेंगे। स्टेयर्स की जो हम उसका कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा सा जो नज़र आने वाला कलर हो वो रख लेते हैं, येलो रख लेते हैं। मतलब आपने कोई ढंग के कलर सेलेक्ट करने, ऐसे नहीं सेलेक्ट कर देने, ये तो आपको वैसे दिखाया जा रहा है तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। लाइन वेट भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो भी आपने रखना हो। नई लेयर बनाते हैं, मैं कहता हूँ कि इस लेयर में हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे डोर्स को, तो डोर्स का कलर भी सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम नई लेयर बनाते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ को देखेंगे, तो विंडो का कलर जो भी रखना हो हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। तो ये जो कॉमन सी लेयर हमें चाहिए होती हैं हमने बना ली। LA लिख के एंटर किया। अब इनको एक और लेयर बना लेते हैं, एक लेयर और बना लेते हैं। पहले इंटर किया और उसको कहते हैं कि टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये लेयर उस टेक्स्ट को संभाले। कलर कोई भी ये रख लेते हैं। ये लेयर्स बना के क्लोज कर दी। अब हमने सबसे पहले जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको
लेयर्स के अंदर ही काम करते होते हैं। ये ज़ीरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ज़ीरो सेलेक्ट है। हमने वॉल्स में काम करना है तो वॉल को सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी काम करेंगे आप वो वॉल की लेयर में काम हो जाएगा, हो रहा होगा, वो काम वॉल की लेयर में हो रहा होगा। ये देखें वॉल की लेयर में काम हो रहा है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो वॉल ही सेलेक्ट है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ज़ीरो सेलेक्ट हो जाता है क्योंकि ये ज़ीरो लेयर में काम हुआ है। अच्छा एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि हमने वॉल्स का कलर जो है ना यहाँ पे कुछ और रखा है और यहाँ पे मैजेंटा ही आ रहा है, तो इसको करने के लिए इसको सेलेक्ट किया और कलर जो है ना यहाँ से बाय लेयर कर दिया क्योंकि बाय लेयर होना लाजमी है, इसको अभी बाय लेयर कर दिया। अब जो भी लेयर सेलेक्ट करेंगे उसका कलर आएगा, आपने अगर कलर खुद से सेलेक्ट किया हुआ है तो वो बाय लेयर वाला कलर नहीं आएगा। चलें जी हम सबसे पहले टेक्स्ट जो है ना इसको संभालते हैं, इसको सेलेक्ट किया, ओपन टू स्काई, बाथ, बेड, बेड, डाइनिंग या टीवी, ड्राइंग, अप और पोर्च और बाथ थ्री, और ये सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो गए। लेयर्स में जाके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया सिर्फ, फिर एस्केप का बटन प्रेस कर दिया, ये सारी की सारी लेयर टेक्स्ट हो गई हैं, टेक्स्ट में बन गई हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे भी बाय लेयर नहीं है, इसको बाय लेयर कर लेते हैं। बाय लेयर, ये टेक्स्ट अब हमें थोड़ा मसला पैदा कर रहा है तो हम कहते हैं कि टेक्स्ट वाले को ऑफ कर देते हैं। इसको ओपन किया, ये टेक्स्ट वाली लेयर के बैक साइड पे ये जो ऑन और ऑफ़ वाला ऑप्शन बना हुआ है बल्ब सा आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको दबा दिया, ये ऑफ़ हो गया। टेक्स्ट वाले जितने भी टेक्स्ट थे वो ऑफ़ हो गए जो हमने लेयर में डाले हुए थे। अब हम कहते हैं कि ये जो हमें डायमेंशंस लगी हुई हैं ना ये हमें मसला पैदा कर रही हैं, लिहाजा इनको सेलेक्ट कर किया। ये पहले नहीं सेलेक्ट करते, ये पहले ही लेयर्स में ड्राइंग बनाने से पहले ही लेयर्स बना ली जाती हैं और उन लेयर्स के अंदर फिर काम करते हैं। अभी तो हमने बना ली हैं इसलिए हम अब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें ये डायमेंशन सेलेक्ट हो चुका है, डायमेंशन को भी हमने ऑफ कर दिया, पीछे सिर्फ वॉल्स रह गई हैं या स्टेयर्स हैं, अभी इनको हम स्टेयर्स बना लेते हैं। सेलेक्ट हो गई यहाँ से स्टेयर्स, लेकिन यहाँ से भी बाई लेयर करना लाजमी है। स्टेयर्स का कलर आ गया, अब स्टेयर्स को भी हम ऑफ कर देते हैं। पीछे जो सिर्फ हमारे पास बची हैं वो हैं वॉल्स, नहीं ये चीज़ भी बच गई है, ये चीज़ जो है ये तो वेंटिलेटर हैं, उनकी तो लेयर्स हमने बनाई नहीं है। चलें बना लेते हैं, एल ए लिख के इंटर करते हैं, न्यू लेयर तो वेंटिलेटर, वेंटिलेटर लिख लें या कुछ भी लिख सकते हैं, वेंटिलेटर लिख सकते हैं। वेंटिलेटर के लिए हम कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं कलर, इसको ऑफ कर दिया। अब उधर अब इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से वेंटिलेटर ये वाला हो गया, इसको भी बाय लेयर कर दिया। अब पीछे जितनी भी रह गई हैं वो वॉल्स ही हैं, किधर है वॉल्स, लेकिन कलर नहीं आ रहा यहाँ से बाय लेयर क्योंकि हमने पहले लेयर में बनाया नहीं है, ये वही ड्राइंग है जो शुरू से हम लेके आ रहे हैं, तो इसलिए ये मसला पेश आ रहा है। तो जब भी हम नया काम करेंगे लेयर पहले से बना के उसमें काम करेंगे। अच्छा ये देखें ये भी वॉल्स हैं, लेकिन इसको हम एक और कमांड, नई कमांड से करेंगे, उसको कहते हैं मैच प्रॉपर्टी, एम ए शॉर्टकट किया उसकी, एम ए लिख के इंटर किया, वो कह रहा है कि सेलेक्ट सोर्स सब्जेक्ट, यानी कि आपने किसको मैच करवाना है, तो मैंने इसको मैच करवाना है किस के साथ, इसके साथ, बस आप सेलेक्ट करते जाएं आगे जिस जिसको मैच करवाना है, तो मैच प्रॉपर्टी वाली कमांड काम करना शुरू हो जाएगी। मैंने इनको मैच करवाना था, इनको इनको इनको, उनको तो नहीं करवा सकते ना सेंटर वालों को क्योंकि वो तो वेंटिलेटर है ना, समझ रहे हैं ना आप। अच्छा एक चीज़ और, ये वेंटिलेटर है लेकिन ये वेंटिलेटर अभी नहीं बनाया, ये देखें ज़ीरो आ रहा है, तो इसको भी मैच प्रॉपर्टी से एम ए लिख के इंटर करते हैं, मैच प्रॉपर्टी,
इसको भी वेंटिलेटर बनाते हैं। अब वेंटिलेटर को ऑफ करें, पीछे ये देखें ये भी है, इसको भी वॉल से मैच प्रॉपर्टी करनी चाहिए। डोर्स और विंडोज़ और वेंटिलेटर्स के ये जो क्लोजिंग पॉइंट्स होते हैं ये वाले, ये लाजमी वॉल प्रॉपर्टी में होने चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना। सेव करते हैं, कंट्रोल एस, आपको पता है कंट्रोल एस पे एक अच्छे ऑटोकैड ऑपरेटर की फिंगर्स होनी चाहिए। अब ऑन करके देखते हैं, अब इसको ऑन करके, लेयर्स को ऑन करके देखते हैं, ये जो भी लेयर ऑफ हुई हैं इनको ऑन करके देखते हैं, ये सारी लेयर्स ऑन हो गई हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।